क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। वैसे तो ये 2020 में होने वाले एग्जाम्स के लिए हैं, और करीब 1-1.5 साल का तो मतलब जो पीरियड होता है वो करंट अफेयर्स में लिया ही जाता है। तो ये 2019 के जितने एग्जाम्स हुए थे उससे कुछ बनाए गए क्वेश्चंस हैं। 2019 में कोरोना के पहले तो एग्जाम्स प्रॉपरली चल ही रहे थे, 2020 में डिले हो गए, नहीं तो ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंट होते 2020 में होने वाले एग्जाम्स के लिए। कान के साथ चल सकते हैं कि 2019 का करंट अफेयर है जो 2020 और 21 में भी कुछ कुछ काम आएगा। तो करते हैं 100 क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन इंडिया फॉसिल अल्यूमन स्पीसीज केव सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जूलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डेनिसोवन एक जूलॉजिकल पीरियड है, मतलब डी होना चाहिए वन का। चेक करते हैं, वन का बी, नहीं गलत था, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। अब देखना पड़ेगा डेनी सोवन, ओके ये है डेनी सोवन डीएनए फाउंड इन ह्यूमन जीनोम्स, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है डेनी सोवन। ऐसे होते थे हमारे पूर्वज डेनिसोवन। नी अंडरथल तो सुना था डेनिसोवन, ओहो बंदर और इंसान के बीच ही खड़ी। मॉडर्न ह्यूमन, उससे जस्ट पहले नी अंडरथल, उससे और पहले डेनिसोवन। ओके गॉट इट। और देख लेते हैं डेनिसोवन के बारे में। डेनिसोवन और डेनिसोवा ह्यूमिन्स होमिनिन्स आर एन इंस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ आर्किक ह्यूमन दैट रेंज्ड अक्रॉस एशिया। डेनिसोवन्स आर नोन एज फ्यू रिमेन्स एंड फर्स्ट डेमोनिशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइबेरियन डेनिसोवा केव, साइबेरिया में केव है डेनिसोवा, वहां से मिले थे। और क्लोज एफिनिटीज है नी एंडरथल्स के साथ। फिर स्पेसीज स्पेसिमेन तिब्बतन प्लेटू चाइना से भी मिले, मेलानेशियंस और पापुआ न्यूगिनियंस में भी मिले। तो और डेमोग्राफी रेंज्ड अक्रॉस ईस्ट एशिया, आर्टिफैक्ट्स, मॉडर्न ह्यूमंस, साउथ एशियंस वर फाउंड टू हैव लेवल्स ऑफ डेनिसोवन एडमिक्सचर सिमिलर टू ईस्ट एशियन। साउथ एशियन और ईस्ट एशियन यानी कि हम लोगों में डेनिसोवन है जीन्स। चलो तो पहला क्वेश्चन, द वर्ड डेनिसोवन इज सम टाइम मेंशन इन मीडिया इज रेफरेंस टू एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर। इंडिया जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट करता है उसमें से कौन सी हाईएस्ट इंपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, स्पाइसेस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल। देखो एक होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम, एक होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो आई थिंक स्पाइसेस, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑयल में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है। पल्सेस, स्पाइसेस तो इंडिया बेचता है, स्पाइसेस है नहीं, फ्रूट्स है नहीं, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस। यहाँ तक मुझे मालूम है कि इंडिया पल्सेस इंपोर्ट करता है, वेजिटेबल ऑयल भी इंपोर्ट करता है। वेजिटेबल ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से मंगाता है और लफड़ा चल रहा है। मेरे हिसाब से 2 का डी होना चाहिए। 2 का डी, 2 का डी बिल्कुल सही बात है, 2 का डी ही है। एग्रीकल्चर कमोडिटी पल्स मंगाता है, लेकिन पल्स इंडिया में भी काफ़ी कुछ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया मंगाता है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है उसके लिए, जो वेजिटेबल ऑयल जिससे आता है पाम सीड, पाम ऑयल। तो पाम तो इंडिया में होता नहीं है, तो पाम कम होता है मतलब, तो वो मलेशिया वलेशिया से आता है। तो वेजिटेबल ऑयल सबसे बड़ा
इम्पोर्ट है टू का डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट एंटिटीज एंड ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। तो ऑल ऑफ इंडियाज डेट इज यूएस डॉलर तो गलत है। इंडिया का डेट कुछ तो यूरो में भी होगा, कुछ डॉलर में भी होगा, कुछ येन में भी होगा, कुछ रियाल में भी होगा, और सारा का सारा डेट गवर्नमेंट एंटिटीज का ऐसा नहीं है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज का भी होगा। तो नीदर वन नॉट टू होना चाहिए, तीसरे का डी। तीसरे का डी बिल्कुल सही है, तीसरे का डी है। विद रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, खरीफ मतलब हो गया राइस, सुगर केन, राइस, सुगर केन, जूट, पल्सेस वगैरह। विद रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन लास्ट 5 ईयर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाइएस्ट, हो सकता है। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ जवार इज मोर देन ऑयल सीड, एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ सुगर केन, एरिया अंडर सुगर केन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। अच्छा क्वेश्चन है। तो एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाइएस्ट, सही है वन। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ जवार इज मोर देन ऑयल सीड्स, मेरे हिसाब से ऑयल सीड ज्यादा होंगे तो टू नहीं लग रहा मुझे। कॉटन सुगर केन से ज्यादा, ये भी नहीं सही लग रहा। सुगर केन हैज डिक्रीज्ड, ये सही लग रहा है यार। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे हिसाब से, तो बेस्ट ऑप्शन क्या चूज करोगे, 1 3 ए या ए? चूज करूंगा मैं फोर्थ का। हाँ बिल्कुल सही, फोर्थ का ए चूज करूंगा, बिल्कुल सही निकला फोर्थ का ए जवाब, बिल्कुल सही बोला था मैं। राइस कल्टीवेशन में हाईएस्ट है और कॉटन कल्टीवेशन सुगर केन से ज़्यादा है, कॉटन में ज़्यादा एरिया लगा हुआ है इंडिया में, सुगर केन में कम है उससे, कॉटन से सुगर केन से ज़्यादा तो इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन होता है। तो 1 एंड 3, 2 और 4 मतलब सुगर केन का घटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सुगर केन का घटा वटा नहीं है। फिफ्थ, आरबीआईज रिसेंट ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, डेटा डिक्टेट कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर मतलब जैसे कि पेटीएम और अमेजन पे, पेमेंट सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या करता है। दे शैल इंश्योर दैट द एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाई देम आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम ओनली इन इंडिया। दैट शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। They shall submit the consolidated system audit report to CAG by the end of calendar year. So I don't think कि RBI लोगों को ये बोलेगा कि CAG को डेटा दो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑन कराने को भी नहीं बोलेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना है कि वो जो अपना पेमेंट सर्वर का सर्वर जो है, जो डेटा का जो सर्वर है वो इंडिया में लगाएं, ये बात जरूर बोली गई होगी, डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। फिफ्थ का ए वन ऑनली होना चाहिए, फिफ्थ का ए। हाँ सही, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, फिफ्थ का ए वन ओनली। ये बड़ी स्ट्राइक अच्छी सी बात है कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आईएएस 2019 के किए और 5 में से मैं 4 सही कर ले जा रहा हूँ। जब मैं यूपीपीएससी के 5 करूँगा तो हो सकता है मैं 5 में 1 सही कर पाऊँ। इसका मतलब आईएएस वाले नॉलेज की बजाय आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, जो कि मेरे ठीक है, इसलिए मैं सही कर पा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पर ये लोगों को डिफिकल्ट लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट जब चेक किया जाता है, हद है। अब यूपीपीसीएस टाइप के घटिया एग्जाम्स में आपका जो है नॉलेज चेक करने लगते हैं, बेसिक नहीं चेक करते। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, अटल इनोवेशन मिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, स्किल डेवलपमेंट। अटल इनोवेशन मिशन मेरे हिसाब से इस नीति आयोग के अंदर तो नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, तो 6 का डी होना चाहिए, 6 का सी। नीति आयोग, ये तो बड़ा
बार हो गया, पहली पहली बार बली, दिल रे यार बली। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, सच में नीति आयोग के अंदर है। वी स्टार्ट स्टार्टअप्स, इन द यूनियन बजट 2015-16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू स्टेब्लिश द अटल इनोवेशन मिशन इन नीति आयोग, और 150 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के लिए। और हुआ क्या उसका? अटल इनोवेशन मिशन, 500 टिंकरिंग लैब्स हैं, 100 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। भाई कहाँ डालूँ, GS3 में डालता हूँ इसको। साइटेक, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का तो है, अटल टिंकरिंग लैब्स। चलो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ए प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड का मतलब मेरे हिसाब से ये अमेरिकास के लिए बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ए प्लांट डोमेस्टिकेट हुआ न्यू वर्ल्ड में, डोमेस्टिकेटेड था न्यू वर्ल्ड में और ओल्ड वर्ल्ड में इसको लाए। टोबैको, कोको, रबर, कॉटन, कॉफी, सुगर केन। रबर, कॉफी, वीट। देखते हैं, जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन तो इंडिया में हमेशा से ही था, कॉटन तो नहीं होगा, कॉटन वाले हटा दो BOC। अब बचे AOD, टोबैको, कोको, रबर, रबर, कॉफी, वीट। ये बात तो सही कि कॉफी जो है वो न्यू वर्ल्ड का है और कोको भी न्यू वर्ल्ड का है, चॉकलेट। रबर और टोबैको, वीट, वीट गेहूं भी पुराना है यार, आई थिंक मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, वीट नहीं। टोबैको, कोको और रबर, ए होना चाहिए, सेवेंथ का ए, सेवेंथ का ए। देखा मेरा, बिल्कुल बता रहा हूँ ना, IAS के क्वेश्चन सारे लग जाएंगे बस। टोबैको, कोको, रबर, टोबैको, कोको, रबर में मेंटलिटी मिलती है मेरी आंसर से। एट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोबैको, कोको, रबर, टोबैको, कोको, रबर, वाह ये न्यू वर्ड्स वर्ल्ड वर्ड में आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडिया इज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, ऑल ऑफ इंडिया डेट तो हो गया था ना, एट, एट तो हो गया था, डी, नीदर वन नॉट टू। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, सर्विस एरिया अप्रोच, ये मुझे इरिगेशन से रिलेटेड लग रहा है, IRDP का पार्ट लग रहा है। नाइन्थ का ए होना चाहिए, नाइन्थ का बी निकल गया क्या, रुका हो गया। लेड बैंक, लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच, लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम है कि हटा दी,
लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम लीड रोल टू इंडिविजुअल बैंक्स बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स अलॉटेड टू देम। अकॉर्डिंगली ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री हैव बीन अलॉटेड टू वेरियस बैंक। एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखना काम है। ओके, सर्विस एरिया अप्रोच लीड बैंक स्कीम का पार्ट है, 9th का बी। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एबल प्राइज 2019। फर्स्ट वुमेन टू विन द एबल प्राइज, सोफी जर्मेन, मरियम मीर जखानी, करेन उलेनबेक, जूलिया रॉबिन्सन। एबल प्राइज, अब देखो एसएससी वाले क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मुझे दिक्कत होने लगी। आई एस के क्वेश्चन 9 क्वेश्चन थे, 8 लगा लिए थे मैंने। जहाँ एसएससी लेवल के क्वेश्चन आए दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये आ गए लोअर क्लास टाइप की चीज़ें पूछने। किसने किया, कौन था, डेट बताओ बताओ। फर्स्ट वोमेन जो एबल प्राइज जीती हो, एबल मैथमेटिक्स का होता है लेकिन इतना पता है, लेकिन ये तो नहीं पता कौन जीता है। 10th का सी, करण उलेनबेक, देख लेते हैं भाई। करण उलेनबेक, अरे मैडम मैथ्स की। करण उलेनबेक इज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। करंट अफेयर में डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एज ऑफ अप्रैल 2019 हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। ज्योति वासु ही होगा, 11th का, ये 11th का डी। पवन चामलिंग आ गए, 11th का डी। पवन चामलिंग आ चुके हैं भैया, ज्योति वासु पीछे, पवन चामलिंग आ गए। पवन चामलिंग अभी है कि नहीं है? पवन चामलिंग अब नहीं है लगता। इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 25 साल सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नेपाली, चार लड़के चार लड़कियां, 8 बच्चे। वाह चामलिंग जी वाह।
चलो भाई, चामलिंग जी, करण उलनबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 2019 एबल प्राइजिन हैज बीन अवार्डेड टू करण उलनबेक, 12 का सी, 12 का सी। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फीमेल रेसलर वन ए गोल्ड मेडल इन द 59 kg वेट कैटेगरी एट द 2019 डॉन कोब्लो निकोलो पोत्रो टूर्नामेंट। क्या है क्वेश्चन यार, 13वें का बी, पूजा डांडा, फीमेल रेसलर, पूजा डांडा। अच्छा, इन जनवरी 2019 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट संजय जैन एंड के एम नटराज एज ऑडिटर जनरल, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, सोलिसिटर जनरल। नहीं पता, 14वें का ए, एसएससी वाले को ही नहीं पता, एडिशनल सोलिसिटर जनरल है सब, संजय जैन, के एम नटराज। इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट टू बी रिकंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया, पाक्योंग, पारो, लेंगपुई, बागडोगरा। बागडोगरा तो पुराना है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पारो भूटान में, पारो हटा दो, बागडोगरा हटा दो, बचा लेंगपुई और पाक्योंग में से कोई होगा, तो ए या सी में से कोई होगा चाहिए। ए, पाक्योंग निकला, पाक्योंग, पाक योंग, पाक्योंग एयरपोर्ट, गैंगटॉक। लिख लेता हूँ, पाक्योंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सिक्किम। अच्छा, बागडोगरा में था, सिक्किम वालों को भी बागडोगरा से ही जाना पड़ता था। सिक्किम में अपना एक एयरपोर्ट हो जाएगा पाक्योंग, 2018 में मोदी ने अनाउंस किया था, बढ़िया एयरपोर्ट बनाएंगे पाक्योंग में। अब तक बागडोगरा से चलती नहीं, पारो से चलती नहीं, इनॉग्रेशन पे हो गया पाक्योंग एयरपोर्ट का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2019 चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा विप्लव कुमार देव अनवेल द ऑफिशियल लोगो ऑफ स्टेट स्ट्री विच फीचर्स पिलक, देवतामुरा, उज्जैन पैलेस, नीरमहल पैलेस। उज्जैन पैलेस, उज्जैन पैलेस, 16 का सी, 16 का डी, नीरमहल पैलेस, ऑफ द आइकॉन ऑफ द इंडिया, ऑफिशियल लोगो ऑफ स्टेट स्ट्री, ऑफिशियल लोगो ऑफ स्टेट स्ट्री, नीरमहल पैलेस, नीर महल पैलेस, नीर महल पैलेस इज ए फॉर्मर रॉयल पैलेस बिल्ड बाय त्रिपुरा किंगडम वीर विक्रम किशोर माणिक देव शर्मा, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ रुद्र सागर लेक, माणिक डायनेस्टी। इन जनवरी 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री अडॉप्टेड नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, हेल्थ, और कौन होना चाहिए, 17वें का ए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन सा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर था 2019 में, सीतारमन, राजनाथ सिंह होंगे उस समय, 18वें, नहीं ए, निर्मला सीतारमन। विजन 2040 डॉक्यूमेंट रिलीज एट द ग्लोबल एविएशन समिट इस्टिमेट दैट इंडिया विल नीड हाउ मेनी एयरपोर्ट,
विजन 2040 तक कितने एयरपोर्ट चाहिए होंगे इंडिया को? निश्वा का ए 200 एयरपोर्ट चाहिए होंगे। वन एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन्स डबल चैंपियनशिप किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? कुछ नहीं पता है, एसएससी टाइप के क्वेश्चन मुझे। 28 का डी जहांग सुगाइन समंथा स्तोत्र। अच्छा हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड फॉर बेस्ट बुक नॉन फिक्शन वॉज अवार्डेड टू द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड फॉर बेस्ट बुक 2018 नॉन फिक्शन वॉज अवार्डेड टू ऑथर ऑफ द बुक ब्रश विद इंडियन आर्ट एंड द हिंदू लिट फॉर लाइफ। किसको मिला ये अवार्ड? ममता नैनी। अच्छा इन जनवरी 2019 द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गेव इट्स अप्रूवल फॉर द केमिस्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ विच रिफाइनरी? 3 से लेकर 9 MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। एसआर नुमालीगढ़ मथुरा बरौनी। एसआर को क्यों करेंगे ये गवर्नमेंट? बरौनी बिहार, नुमालीगढ़ आसाम, मथुरा यूपी। 22वें का बी नुमालीगढ़। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 3 गुनी कर दे रहे हैं नुमालीगढ़ की कैपेसिटी। बीपीसीएल की ही है। 22वें का बी। विच एमपी फ्रॉम बारामती महाराष्ट्र वॉज ऑनर्ड विद द संसद रत्न अवार्ड इन तमिलनाडु? विच एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र वॉज ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड इन तमिलनाडु? 23वें का डी सुप्रिया सुले। तमिलनाडु में सुप्रिया सुले को अवार्ड क्यों मिला? इन जनवरी 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवार्डेड द फर्स्ट एवर पद्म श्री क्यों कहेंगे? चैंपियंस ऑफ अर्थ फिलिप कोटला प्रेसिडेंट पद्म भूषण। बी या सी में से कुछ होगा। 24वां सी फिलिप कोटला प्रेसिडेंटल अवार्ड। आउटस्टैंडिंग लीडर फिलिप कोटला प्रेसिडेंटल अवार्ड मिल गया मोदी को। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन द प्रोडक्शन सेल सिंगल यूज प्लास्टिक? दिल्ली। 25वें का बी पुदुचेरी। किरण बेदी कह रही होंगे। हु इज द जनरल मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अरुण जेटली नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है, सुरेश प्रभु या गैद में से कोई होगा। सुरेश प्रभु 26वें का बी। 26वें का बी सुरेश प्रभु थे। अच्छा हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नो डोंट नो। 27 का बी धर्मेंद्र प्रधान। मनु भाकेर द फर्स्ट शूटर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम ए गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? मनु भाकेर किस स्टेट से है? 28 का सी हरियाणा। यानी अच्छे होते हैं हम। मनु भाकर लड़की है, एयरगन वोटिंग करती है, दो गोल्ड मेडल जीती विमेन पिस्टल में। मनु वाके झज्जर की मर्चेंट नेवी में थे फादर।
डाल देता हूँ करंट अफेयर में भाई। मनु भाकेर शूटर फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? संदीप बख्शी, आदित्य जमताप चौधरी, शिखा शर्मा, दीपक पारेख, आदित्य पुरी। दीपक पारेख ही थे इतने सालों से, 29 कभी। दीपक पारेख अभी भी होंगे? दीपक पारेख यानी कितने सालों से हैं? दीपक पारेख स्टिल द चेयरमैन ऑफ HDFC इज बेज इन मुंबई सी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन जनवरी फरवरी आर द नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम इन इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 कहाँ हुआ था? लखनऊ में तो नहीं हुआ था, पटना, जयपुर, पुणे। 2019 हुआ इसमें का ई पुणे में हुआ था 2019 का हुआ होगा। RBI had recently announced that कितने परसेंटेज ऑफ डीमोनेटाइज मनी वॉज बैंक? 80, 88, 93, 99, आई थिंक 93 तो होएगा ही होगा, 20 भी होना चाहिए। 31 में का 31 का डी है 99.3। करंट रिवर्स रिपो रेट RBI की कितनी है? यार आप क्या 2019 की रिपो रेट देखने का फायदा, वैसे अभी है कितनी, 2020 की देख लेता हूँ। करंट रिपो रेट इन इंडिया 4% है और 2019 में 6 वह चल रही थी। 32 में का डी होना चाहिए, 32 में का बी है इन्होंने दे रखा है 6.25। अब 4 हो गई भाई रिपो, और रिवर्स रिपो कितनी? थ्री पॉइंट सेवन फाइव है। घटती ही जा रही है, 2019 से जो स्टार्ट हुआ रिपो घटता ही आ रहा है। हु इज करंटली हेडिंग द कमेटी ऑफ द मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक? ये जो मर्जर हो रहे हैं बैंक्स में किसके कहने पे हो रहे हैं नहीं पता। 33 का सी अरुण जेटली, 33 का सी अरुण जेटली। अच्छा, कमेटी ऑन मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स निर्मा सीतारमन हुई तो कमेटी हेड अरुण जेटली थे, अरुण जेटली ने बोला था। सबसे पहले नरसिम्हन कमेटी ने बोला था, फिर अरुण जेटली। चल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हु इज करंटली हेडिंग द कमेटी ऑफ मर्जर पब्लिक सेक्टर बैंक? अरुण जेटली है 33, तभी अरुण जेटली जी जिंदा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द 2018 ICC
वुमेन्स वर्ल्ड 2020, अरे 2018 का कौन याद रखेगा। 11th ब्रिक्स समिट शेड्यूल फॉर अक्टूबर 2019। 11th ब्रिक्स समिट ये तो बता सकता हूँ, इंडिया चाइना, अरे रुक जाओ यार, इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका जर्मनी ब्राजील। इंडिया में तो नहीं हुई थी ब्रिक्स की समिट, चाइना साउथ अफ्रीका जर्मनी ब्राजील। जर्मनी में क्यों होगी, ब्राजील साउथ अफ्रीका में नहीं हुई थी, ब्राजील या चाइना, ई या बी। 35 का ई या बी, 35 का ई या बी, ई निकला यानी कि ब्राजील। मुझे लग रहा था ब्रिक्स समिट अक्टूबर 2019 में हुई थी क्या, ब्रिक्स समिट अक्टूबर 2019, ब्रिक्स समिट अक्टूबर 19 हुई तो थी। ये कब की हुई है, 2016 की। अक्टूबर 2019, द रेड बिग समिट, ठीक है। ब्रिक्स 11 बिग 2019 ब्रिक्स समिट 13 से 14 नवंबर, इतामाराती पैलेस ब्राजील। टू थाउजेंड नाइनटीन ब्रिक्स समिट ब्राजील, ऐसे इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, इतामाराती पैलेस, ब्राजीलियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई ब्राजील, रसिया, जिनपिंग, साइरिल रामाफोसा। टू थाउजेंड नाइनटीन अक्टूबर ब्रिक्स समिट ब्राजील, अगला करते हैं। नेम द बुक विच वॉज अवार्डेड द गोल्डन मैन बुकर प्राइज, वो भी 2018 का। अरे यार मैन बुकर, मुझे को क्या पता था 2018 का किसको मिला था। द इंग्लिश पेशेंट, स्टैनली, पास्ट अवे रिसेंटली, प्रोमिनेंट वर्क इज कॉमिक्स, सुपर हीरो कॉमिक्स। 37 का डी, 37 का ई, मार्वल कॉमिक्स। अच्छा मार्वल भी है नीचे। 37 का ई। 38, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईट राइट मूवमेंट लॉन्च बाय FSSAI। ईट राइट, विराट कोहली। 38 का सी, राजकुमार राव। इंडिया एम्स टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33-35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। इट अचीव्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अराउंड 350 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, मेनली रिन्यूएबल पावर। 39 का बी, 40% रिन्यूएबल सोर्सेज।
नॉट श्योर, मैं फिर से देख लेते हैं। 39 का बी 40%। एज पर द सेंसेक्स 2011, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 मेल्स? चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 मेल्स अभी 2011 के हिसाब से 921। 40 का ए 919। 40 का ए 919। इंडिया स्टेट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इन एस्पेक्ट रीजन। वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं तो खूब सारी, लेकिन ये नहीं पता कौन सा नंबर है। फोर्थ लार्जेस्ट है। 41 का ए बताओ, फोर्थ लार्जेस्ट बताओ। हद की बात है, आईएएस के सारे लगे जा रहे हैं 10 में 10। अभी पीएस क्लर्क का कोई नहीं लग रहा मुझसे। उनका इंडियन एयरफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन द एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय एयरफोर्स। पिच ब्लैक 42 का ही। हाँ, पिच ब्लैक होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडियन एयरफोर्स ना, एयरफोर्स पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, हाउ मच अमाउंट इज मेड अवेलेबल टू वन अकाउंट होल्डर पर हाउस होल्ड? 6 हज़ार। जनधन जनधन 43 कभी 10 हज़ार। दस हजार है। 91st Academy Award will honor the best film of 2018 and will be held at 44 कभी लॉस एंजल्स। एलए लॉस एंजल्स लॉस एंजल्स में। जहाँ है लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब आप न्यूयॉर्क में या न्यूजर्सी में रहते हो तो लॉस एंजल्स दूर है काफी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ एक्यूट पॉवर्टी कवरिंग 100 डेवलपिंग कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? यूनेस्को, अंगुटार्ड, यूएनडीपी, ओईसीडी, यूएनईपी। आई थिंक यूएनडीपी होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 45 का सी। 45 का सी, हाँ यही है, यूएनडीपी। किसने अप्रूव कर दिया 25-30 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट फंड फॉर द इंडिया? यूएन, वर्ल्ड बैंक, अंगुटार्ड, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ। नो आइडिया। 46 का बी वर्ल्ड बैंक। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू फिक्स एमएसपी ऑफ एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर खरीफ क्रॉप, विच रिडीम्स द प्रॉमिस मेड इन यूनियन बजट। एमएसपी कितने परसेंट रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? 50 तो नहीं होगा, 100-150 भी नहीं होगा, 150, 200, 250। 250 ज्यादा है, 150 या 200। सीआई 47 का ई 150%। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ रमोन मैग्सेसे फ्रॉम इंडिया? सोनम वांग, कैलाश सत्यार्थी, भुवन रिभु, नादिया मुराद, सेंतोस। आई थिंक भरत वातवानी और सोनम वांगचुक थे। 48 का ए, हाँ ये थे भरत वातवानी और सोनम वांगचुक। एज पर सीएसओ रिपोर्ट, हाउ मेनी करोड़ जॉब्स इंडिया में क्रिएट हुई 10 मंथ के पीरियड में? 49 का डी 1.2 करोड़। एक 10 महीने में 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो गई। हु विल चेयर द 2019 समिट ऑफ द आसियान? आसियान, जापान, सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, रशिया। थाईलैंड अच्छा तो नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा,
सिंगापुर हो सकता है, तो थाईलैंड होगा, चाइना भी नहीं होगा। बी या डी में से एक होना चाहिए। 50वें का बी या डी, 50वें का डी। हाँ डी, यानी कि थाईलैंड। हाँ वही, और क्या। 2019 के एशियन समिट थाईलैंड में हुई थी। ठीक, करंट अफेयर कंटिन्यू करते हैं। 2019 के क्वेश्चंस 51st करते हैं। 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बैग्ड हिंदी इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड, राजभाषा कीर्ति अवार्ड, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी का बढ़ावा देने के लिए। भाई किसको अवार्ड मिला, नो आइडिया। 51 का सी, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदी को बहुत बढ़ावा देता है। राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिल गया भाई। 51 का सी, पंजाब नेशनल बैंक। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, होस्टेड ए कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट एट ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट 2018 एट डिप ने कॉन्फ्रेंस कहाँ कराई थी, नो आइडिया। अगेन 52 ए, न्यू दिल्ली। आईएएस के 2019 के एग्जाम के 10 क्वेश्चन में से मैं 9 कर ले रहा था। आईबीपीएस पीयू वाले भी, कुछ एसएससी वाले भी कर ले रहा था। आईबीपीएस क्लर्क में आते आते तो मेरा स्ट्राइक रेट 0 हो गया है। इसका मतलब मैं क्लर्क बनने लायक नहीं हूँ, लेकिन आईएएस बनने लायक हूँ। ये अजीब विडंबना है। 52 ए, न्यू दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे, नहीं पता। 53 का बी, इंडिया। इंडिया ने वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 कराया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, इंडिया कुछ बना है। न्यू दिल्ली, वर्ल्ड टूरिज्म डे आई थिंक भाई इंडिया में हुआ था, दिल्ली में। 53 का बी। ब्रिक्स समिट 2020 विल बी होस्टेड बाय ब्रिक्स की, ब्राजील में हुई थी पिछली समिट। अगली समिट मेरे हिसाब से रसिया में होनी होगी। 54 का सी, रसिया। सीडीएस का क्वेश्चन है, 54 का सी। ये देखो सही, जैसे लेवल सुधरा सीडीएस का एग्जाम आया, अब सही होने लगे मेरे क्वेश्चन। 2020 की ब्रिक्स की समिट 54 का सी, रसिया में होनी है। और ये कहीं लिख लेता हूँ मैं, 2019 की ब्रिक्स समिट ब्राजील और 2020 की ब्रिक्स समिट रसिया। 55, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड ए सिविलियन अवार्ड इन द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जूनटी एंड इंटीग्रिटी, होना चाहिए आई थिंक। 55 का ये, जूनटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नाम क्या रखा उसका अवार्ड, अवार्ड पटेल के नाम पे कौन सा अवार्ड रखा है, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। ये सितंबर 2019 की न्यूज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। खुले तो देखें इसके बारे में, नहीं खुला। तो हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड ऑफ फीफा फुटबॉल, रोनाल्डो, चिक, मेस्सी। मेस्सी होना चाहिए, आई थिंक मेस्सी फेमस है। 56 का सी, 56 का सी। हाँ मेस्सी।
खुल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंस्टीट्यूटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंट्रीब्यूटेड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सितंबर 2019 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल जायंट्स डिक्लेयर इटसेल्फ बैंकरप्ट? थॉमस कुक, 57 का डी, थॉमस कुक। थॉमस कुक। ग्रेटा थनबर्ग, ए टीनेज एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली हेल्स फ्रॉम, 58 का ए, स्वीडन। स्वीडन की है ये तो मुझे पता था। सारे सही हो रहे हैं सीडीएस के मेरे। अब आते हैं यूपीपीएससी के। मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। डेरियन हैगेबिस लकीमा मिताग, ये रिकेन के नाम है। बामास चाइना जेजू जापान, कुछ नहीं आइडिया भाई। 59 का सी, डीरियन आया था जापान में, हैगेबिस आया था चाइना में, लकीमा आया था जेजू साउथ कोरिया में, मिताग आया था बामास में। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2019 में इंडिया अनाउंस टू इस्टेब्लिश ए हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री? अरे यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है और अक्टूबर तक की इसमें करंट अफेयर आई है, यानी कि नवंबर दिसंबर। ओके, नवंबर दिसंबर करना पड़ेगा। 2019 में नवंबर दिसंबर डालना ही पड़ेगा। अक्टूबर 2019 में इंडिया अनाउंस टू एस्टेब्लिश हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री? नहीं पता। 60th का बी, गेमिया। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एट द टॉप इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019? तमिलनाडु महाराष्ट्र में कुछ होगा। 61 का सी है, हरियाणा। 61 का सी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 61 का सी, हरियाणा। कुछ भी। न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ में क्रिस्टीना जॉर्जेवा, क्रिस्टीन लगार्डे, मारिया गोपोर्ट, एलिना रॉस्ट्रोम। 62 का डी, एलिना रॉस्ट्रोम। अच्छा, आईएमएफ। IMF, IMF वॉशिंगटन डीसी में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जियोवा है और 62 का हिसाब से तो ए होना चाहिए। इन्होंने 62 का डी दे रखा है, मतलब एलिना रॉस्ट्रॉम। ये तो गड़बड़ लग रहे हैं मुझे इनके आंसर। 62 का इन्होंने डी दे रखा है, एलिना रॉस्ट्रॉम, जो कि 62 का, आईएमएफ का क्रिस्टलिना जॉर्जेवा होना चाहिए। गलत दे रखा है इन्होंने, आईएमएफ के क्रिस्टलिना जॉर्जेवा है। ये इनकी शक्ल भी देख लेते हैं। अरे भाई, ये मैडम है, ये मैडम बुल्गारिया के हैं और आईएमएफ की 2019 से हेड है। वर्ल्ड बैंक में थी पहले, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। क्रिस्टलिना जॉर्ज लोवा, मिस तोवालुवा, क्रिस्टीना जॉर्जेवा। 62, 62 इन्होंने गलत दिया आंसर, डी दे रखा है जबकि होगा ए। यानी कि नीति आयोग वाली भी गलत है क्वेश्चन।
हो सकता है। नेशनल प्रोग्राम, अब मुझे इनके आंसर पे भरोसा नहीं रहा। नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन अक्टूबर 10, 2019 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू इनरिच देयर स्किल्स। क्या दे रखा है 63 का इन्होंने? ए लक्ष्य। अब मैं देख लेता हूँ भाई, कंफर्म करता हूँ। लक्ष्य प्रोग्राम, अक्टूबर 2018, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम। और ये इंक्रीज टैलेंटेड चिल्ड्रन, यार ये नहीं भी गलत है। प्रतिभा ध्रुव परिवर्तन में सब कुछ होगा। यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों गलत गलत सलत आंसर दे रहे हैं? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अभी देखते हैं। प्रतिभा है क्या? प्रतिभा प्रोग्राम भी नहीं कुछ मिल रहा है। और कौन सा है? ध्रुव परिवर्तन, ध्रुव प्रोग्राम, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, ये दिसंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हो सकता है। ये ध्रुव आंसर है, यानी कि आंसर सी हुआ, 63 का सी होना चाहिए आंसर इनके सारे का, बन 63 का सी, ध्रुव एसआरडी मिनिस्ट्री ने। अक्टूबर 19 में प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव टू बी लॉन्च्ड। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल विल लॉन्च द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव फ्रॉम इसरो बेंगलोर। ये 2019 की घटना है। आते हैं अगला। रिसेंटली द आरबीआई हैज इम्पोज लिमिटेशन इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन द विड्रॉल ऑफ अमाउंट बाय अकाउंट होल्डर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। 64 का सी। हाँ चलो, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग, उषा किरण, कैरी लैम। थॉमस कुक तो टूर एंड ट्रेवल है, तो ए का तो 4 हो गया, यानी कि बी ए डी। ग्रेटा थर्मंग एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है, तो बी का 3 हो गया, यानी कि 65 का डी होना चाहिए। ये 65 का डी, चलो सही है। डी का मतलब ये है कि बच्ची उषा किरण हो गई, भारत भारती अवार्ड, और कैरी लैम हांगकॉन्ग के लीडर हो गए। कैरी लैम की शक्ल देखना चाहते हैं। कैरी लैम हॉन्ग कॉन्ग, कैरी लैम हॉन्ग कॉन्ग। अच्छा ये है मैडम, चीफ एग्जीक्यूटिव है हॉन्ग कॉन्ग की। हॉन्ग कॉन्ग वाले चाइनीज वालों से बेटर। 2019 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेम द फर्स्ट वुमेन वॉज फर्स्ट अवेलियर दिस पार्ट। इकोनॉमिक्स में लीनर ऑस्ट्रोम को मिला हुआ है मुझे लग रहा है। 66 का डी होना चाहिए। 66 का डी, एलिनर ऑस्ट्रोम को मिला हुआ है इकोनॉमिक्स का नोबेल। और 2019 में किसको मिला है? 2019 नोबेल इकोनॉमिक्स, एक हस्बैंड वाइफ पेयर को मिला था मुझे याद है। इस तरह फ्लो है क्या? 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी, ईस्थर दफ्लो एंड माइकल क्रेमर। ईस्थर दफ्लो, ईस्थर दफ्लो कब मिला, ये कब की न्यूज है? अभिजीत बनर्जी, ईस्थर दफ्लो, माइकल क्रेमर।
2019 ध्रुव और योगा नोबेल प्राइज थ्रू द फ्लो माइकल क्रेमर अभिजीत बनर्जी। ओके मूव ऑन। रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। अरे यार ये क्या क्या पूछते हैं यूपीपीएससी वाले। 67 कभी 2019 से 2029 तक रूरल सैनिटेशन चलेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। ये मतलब क्या है, क्यों पूछते हैं यूपीपीएससी वाले इस टाइप के क्वेश्चन। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 68 का बी 2030 तक। Which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to use Chandrayaan 2? JSLV Mach 3। 69 का ये होना चाहिए। चलो सही है। Which one of the following statement about India's largest charkha is true? Inaugurated in Noida, made of used plastic waste। सही लग रहे हैं दोनों। 70 का C, both 1 and 2। Largest charkha। लार्जेस्ट चरखा। अच्छा इतना बड़ा चरखा, बहुत बड़ा भाई ये तो। द ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनर 2019 बुक्स गर्ल वुमेन अदर इज। नहीं पता। 71 का ए मार्गरेट एटवुड। होम डिड पी वी सिंधु बीट टू विन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप। 72 का सी नोजोमी ओकुहारा। Which hydel power plant in Bhutan was inaugurated recently by Prime Minister Modi? Kuruchu, Mogadishu, Dagachu, Chukha। Chukha होना चाहिए। 73 का D, Mogadishu। Which among the following was the first 100% organic state in the world? Sikkim। 74 का C, पैरा एथलेटिक। दीपा मलिक विच हैज बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बिलोंग्स टू विच अवार्ड। दीपा मलिक डिस्कस थ्रू वेट लिफ्टिंग बैडमिंटन शॉर्ट पुट। दीपा मलिक वेट लिफ्टिंग आई थिंक। 75 का डी बी डिस्कस थ्रू निकली। दीपा मलिक अच्छा ये बहुत सारे मेडल मिले इनको तो। अच्छा जी थ्रोअर है।
People will always look at you the way you look at yourself. दुनिया वाले तुमको वैसे ही देखेंगे जैसे तुम अपने आप को देखते हो. बहुत बढ़िया चीज बोली दीपा मलिक ने. बिकम फैन ऑफ अर्स. और दीपा मलिक डिस्कस थ्रू तो मुझे लग रहा शॉर्ट पुट लिए थी 75 का पी डिस्कस थ्रो, बट दीपा मलिक तो हाथ में तो डिस्कस नहीं ली थी. जेवलिन वर्ल्ड नंबर वन है. एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं और हिमालय ले जम्मू स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन क्लीन इंडिया ग्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक हरियाणा गुड़गांव में रहती हैं. शॉर्ट पुट भी करती हैं, जेवलिन थ्रो भी करती हैं, डिस्कस थ्रो भी करती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, मोटरसाइकिलिंग भी करती हैं. अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में. ₹4 करोड़ तो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दे दिए गए थे. 50 लाख मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर एंड स्पोर्ट्स से मिले. लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है. ये बात है. यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट एक्शन समिट नहीं पता मुझे कब हुआ कहाँ होगा. 76 का डी न्यूयॉर्क. यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में हुआ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू लैंडर ऑफ चंद्रयान 2. विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान विक्रम. विक्रम है मेरे हिसाब से. 77 का डी. अलोंग विद प्रणब मुखर्जी हाउ मेनी मोर पर्सन्स वर कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड. 3 थे शायद. 78 78 का बी 2. हाउ मेनी मोर. अच्छा प्रणब मुखर्जी को हटा दो तो 2. ऐश्वर्य पीसे एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. नहीं पता यार स्पोर्ट क्यों इतना पूछ रहे हैं. 79 का सी मोटर स्पोर्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म फॉर एजेस इज द बेस्ट फीचर फिल्म इन 66 नेशनल फिल्म अवार्ड. बुलबुल कैन सिंग बताइयो हल्लारो जोरी हल्लारो होगी हल्लारो हल्लारो. 80 का 80 का बी हेलारो. हाँ सही हेलारो तो चलो सही है. ऐश्वर्या पीछे देख लेते हैं. ऐश्वर्या पीछे अच्छा फर्स्ट उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस. ट्रेन रन्स बिटवीन. ये कब रन होगी भाई उदय ट्रेन. उदय ट्रेन अरे ये तो सच में डबल डेकर लग रही है. एक नीचे एक ऊपर कहाँ रन हुई. रेलवे सेकंड डबल डेकर
उदय एक्सप्रेस स्टूडेंट बिटवीन विशाखापत्तनम एंड विजयवाड़ा, ये अगस्त 2019 की इवेंट है। अच्छा, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, हाँ इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 81 का, 81 का सी, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। न्यू लग्जरी उदय एक्सप्रेस, नीचे वाले लेवल तो जमीन के लेवल पे पहुंच कोयम्बटूर, बेंगलुरु। 81 का क्या था भाई? 81 का सी, चेन्नई विशाखापट्टनम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सिलेक्टेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019? विराट कोहली एंड मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया एंड दीपा मलिक, साक्षी मलिक एंड जीतू राय, विजय कुमार योगेश्वर दत्त। आई थिंक विराट कोहली और एम चानू होना चाहिए। ए टू डू का डी, बजरंग पुनिया एंड दीपा मलिक। बीटल लीफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अकॉर्डेड ए जीआई टैग? पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिल गया। आंध्र, मध्य, केरला, मिजोरम, मध्य प्रदेश। 83 का सी, केरला। यार ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। बीटल लीफ जीआई टैग, केला। साइंटिस्ट एट द केला यूनिवर्सिटी विल फैसिलिटेट फॉर द जीआई टैग, तिरूर बीटल लीव्स, हाई कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोटीन। वाह वाह। समर्थ इज अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? समर्थ, समर्थ तो यार स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। 84 का ए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। टेक्सटाइल की है। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हु एडमिनिस्टर्ड एज द ओथ ऑफ ऑफिस टू मिस्टर फागू चौहान एज द गवर्नर ऑफ बिहार? यार हमें क्या पता पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। 85 का बी, एपी शाही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? नहीं पता यार। 86 का डी, नॉर्थ कोयल। इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट्स विजिटेड फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? नहीं पता। 87 का बी, कैमूर। हु वॉज द विनर ऑफ द मैंस सिंगल ऑफ द योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? 88 का सी, केंटो मोटा। जापान के लोग बड़े आ गए यार बैडमिंटन और टेनिस में। द फाइव राइनो रेंज नेशंस हु आर साइंड ए डिक्लेरेशन द न्यू डेली डिक्लेरेशन रेशन राइनो 2019 आर इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड 89 का डी, भूटान। हु इज द सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन? कौन कौन से? इंडिया, भूटान, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया। सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 25 सेंचुरी इन द टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर सन डॉन ब्रेडमैन? नहीं पता। डी, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कौन था? स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर।
In July 2019, the spacecraft Chandrayaan 2 was launched from which Indian state? Chandrayaan 2 लॉन्च कहाँ से हुआ था? आंध्रा उड़ीसा से हुआ होगा। 91 कभी आंध्रा। हाँ। After थेरेसा मई मे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द लास्ट सेवन इन द कॉन्टेस्ट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग। बाप रे, वॉज नॉट अमंग द लास्ट सेवन। 92 सारे कैंडिडेट पढ़ो, 92 का ही। ये तो बेकार क्वेश्चन है। वेयर वॉज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटेड ब्यूरो ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन 2019? नेम की 2019 में मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई थी? नहीं पता यार, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 93 का ये, वेनेजुएला। हु वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? 94 का सी, अशोक कुमार मुखर्जी थे। अब कौन है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? विच कंट्री वॉज इन्वाइटेड बाई द होस्ट यूएई एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू अर्जन? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अबू धाबी। 95 का सी, इंडिया। इसरो एंड सीएनएस साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप ए ज्वाइंट मेरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम। सीएनएस इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? सीएनएस। 96 का सी, फ्रांस के है। मतलब इसरो फ्रांस ने मेरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम बनाने का। 40 सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सीएनईएस, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च। अच्छा, सेंट्री नेशनली दे एथुस स्पेशलिस्ट। अच्छा, अब याद रहेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे? टू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड विजिट इन मार्च 2019? 97 का ए, असंसियन। अब पराग्वे की कैपिटल तो बता सकता था यार असंसियन, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा बिहार पीसीएस का। वेयर वॉज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली हेल्ड रिसेंटली? नहीं पता। 98 का डी, नैरोबी। विच एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वॉज रिलीज बाई गवर्नमेंट इन मार्च 2019? 99 का ए, फर्स्ट। इंडियन साइन लैंग्वेज अब पहली बार तो स्टार्ट हुई है। हु सक्सीडेड मनोहर पर्रिकर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? ये गेस करने का। सुधीन नीतीश, प्रमोद सावंत, रोहन कनोते। प्रमोद सावंत।